हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक है, खुशी मज़े में है। तो आज है माशाल्लाह से फ्राइडे, घर सारा सा हो गया है साफ। ये देखिए अब्बास नहा रहे वहाँ पे और निदा कंप्यूटर खेल रही है। तो मैं बनाऊंगी मैक्रोनी जल्दी से, अभी 1 बज रहा है, लेकिन मैक्रोनी बनाएंगे और फिर पूरा टाइम ना मैं अपनी इबादत को दूँगी। और ये देखिए इस तरह से मैक्रोनी को बॉयल कर लिया है और बस सॉस बनाऊँगी। सॉस के लिए टमाटो पेस्ट बन गया है और केचप मैंने निकाल लिया है और बस इसको ना सॉस बना के ना इसमें डाल लेते हैं और फिर नमाज की तैयारी करते हैं। निदा भी यहाँ पे नहाएगी, जिमा लाएगी, ये देखिए। और बस घर मेरा सारा साफ़ हो गया, जिन्हें से साफ़ किया है इनका होमवर्क हुआ है। तो यहाँ पे अब्बास जा रहे हैं नमाज पढ़ने। बाय अब्बास। अब्बास नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्रोनी हमारी रेडी हो गई है, ये देखिए। बच्चों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद, तो बस मैं सॉस पे बना के ना इनको दे देती हूँ क्योंकि इनको वेजिटेबल नहीं पसंद। तो बस यहाँ पे हमारा पास्ता रेडी हो गया है, पास्ता नहीं मैक्रोनी। यहाँ पे हमारी हो गई थी शाम, बच्चे मदरसे से होके आ गए थे, चाय वाय मैंने पी ली थी, फिर बाहर गई हूँ, फ्रूट्स लाई हूँ बच्चों के लिए। अब्बास को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स चाहिए होते हैं, अगर फ्रूट ना हो ना तो ये फिर सारे टमाटर मेरे ख़त्म कर देता है, और फ्रूट्स है ना टमाटर महंगे हैं ज़्यादा। तो मैं गई थी चौक, सारी चीज़ें लेके आई हूँ, सौदा वगैरह ले आई हूँ। और यहाँ पे ना रात हो गई है, तो अब मैं बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी अब्बास? शाम कबाब, सीख कबाब। क्या बनाऊँगी निदा? कबाब रोल। सीख कबाब रोल बनाऊँगी, तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप जल्दी से जाके ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। और ये निदा, अब्बास और यहाँ पे मिमी। स्टेला कहीं सोई हुई है, उसके लिए मैं बाहर से चिकन ले आई थी। ये रही स्टेला, स्टेला के लिए भी चिकन ले आई थी और इसने ना चिकन मज़े से खाया। तो आप कैसे इसको पहनाओ ये चिकन? हाँ जी। और बस इस तरह से ना हम रोल बनाएंगे। बच्चे बना के पी गए हैं, ये देखे शेक बनाया था वो भी पी लिया है, बनाना लेके आई थी तो वो शेक वगैरह सारा पिया है इन्होंने। अब रोल बनेगा, मैं रोल बनाना स्टार्ट करूँगी, सिर्फ कबाब रोल बनाऊँगी। उसके लिए मैंने तंदूर की रोटियाँ ली हुई हैं और यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर मैं केचप डालूँगी। तो जो पिज़्ज़ा के साथ आए हुए हैं ना वही केचप मैं डालूँगी और ज़्यादा ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, बस कम कम यूज़ करूँगी। यहाँ पर मायोनीज़ मैंने डाला है और इसको ना अच्छे से अब हम इस पर फैला लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे, बहुत ही इजी है। और मेरा था कि मैं इसको जाना है फ्राई करूं, तो निदा ने कहा कि मम्मा रोल बना ले, तो मैंने कहा चलो इससे अच्छा आइडिया ही नहीं है कोई। तो बस यहाँ पे एक सीख कबाब मैंने रख दिया है, थोड़ी सी प्याज रख दूँगी, बहुत नहीं रखूँगी, शाम का टाइम है तो कम सीख जो है ना मैं इस पर प्याज डालूँगी क्योंकि शाम में ना अच्छा नहीं होता इतना। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना चटनी में डाल लेती हूँ, थोड़ा सा ना मैं चाट मसाला भी डाल लूँगी ताकि इसका टेस्ट ना थोड़ा मज़े का आए। और बस इसको ना हम फोल्ड करेंगे और ये हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इतना मज़े का ये बन गया है। और बस इस तरह से ना इस पर मैं जो है ना ये टूथपिक लगा लूँगी तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है, ये मैं हटा दूंगी बाद में। और इस तरह से ना मैं दो और भी बना लूँ, तो उस पर भी केचप डालेंगे पहले। और ये साँचे ना मुझे बड़े काम आए हैं, आपके पास भी अगर पिज़्ज़ा के मिल जाते हैं ना तो इस तरह से संभाल के रख लिया करें और काफ़ी ये काम आते हैं। तो मायोनीज भी ख़त्म होने वाला है और इसको अच्छे से ना हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें बड़ा ही मज़े का बनेगा, प्याज थोड़ा डालेंगे, इससे ये होगा ना कि क्रिस्पी और मज़े का ये बनेगा। ये देखें अपनी चटनी हम डालेंगे इसके ऊपर, ये देखें और थोड़ा सा ना मैं चाट मसाला डालूंगी, इससे ना इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो हमारे तीनों रेडी हो गए हैं, इतने इजी और झटपट बनने वाले हैं। अब मैं क्या इसको तड़के लगाती और इतना टाइम अपना वेस्ट करती,
और मिल्क शेक हमने पी लिया था, बनाना शेक पिया था, तो उससे ना हमें भूख इतनी ज़्यादा लग नहीं रही थी, तो मैं तो बना भी नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं, अब मुझे बच्चे भूखे सोएंगे ना, भूखे तो ये नहीं थे, निधन कहती नहीं ना बनाए। फिर मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। और इस तरह से ना ये रेडी हो गए हमारे तीनों रोल जो है ना। तीनों रोल रेडी हो गए हैं, ये देख करेगा। तो बस यहाँ पे हमारे रेडी हो गए हैं रोल। आज सिंपल सा जो है हम डिनर करेंगे और अब्बास निदा खुश है इस पर, मज़ा क्या है। और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, अब्बास चलो ट्राई करो, ये देखें कैसा बना। वो काफी टेस्टी है। अच्छा बना। अब्बास कैसा बना है? तो इसी के साथ अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।